आए हुए साथ में। मनीष भैया बोले तो आए हुए साथ में, ये बोल रहा है मनीष भैया बोले हैं तो आए हुए हैं साथ में। मनीष कश्यप नहीं, मनीष नाम रखा है ना, वो मनीष मनीष जो मीडिया वाले ने दिखाया है वो मनीष भाई बोला है। हमको भी इतना नहीं पता, हमको मनीष भैया बोले तो आए हुए साथ। वो लड़का मनीष यादव का दोस्त था, वो मनीष यादव का साथी था, मनीष कश्यप का नहीं। उस लड़के से पूछिए कि मनीष कश्यप को जानते भी हो या जानते हो तो कभी बातचीत हुई है मनीष कश्यप से, या उस लड़के का मोबाइल नंबर खंगाल के देखिए। हमको भी इतना नहीं पता, हमको मनीष भैया बोले तो आए हुए साथ। ये वीडियो जो अभी अभी आपने देखा, ये वीडियो IBTV का है जिसे ट्विटर पर 1 लाख से भी ज्यादा बार ट्वीट किया जा चुका है। और इस वीडियो को लेकर के अब एक विवाद भी शुरू हो गया है। वो विवाद है एक नाम से जुड़ा हुआ, और वो नाम है मनीष। सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं उस संवाददाता से जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और इत्तेफाक से उनका नाम भी मनीष है। मनीष IBTV के संवाददाता है जिन्होंने ये रिपोर्ट कवर की थी। तो सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये विवाद क्या है और क्यों है, बताइए मनीष। कल किसी खास पार्टी के कार्यकर्ता ने सड़क जाम का कार्यक्रम किया था डाक बंगला चौराहे के पास। उस दौरान जब मैंने रिपोर्ट किया तो एक कार्यकर्ता से जब मैंने पूछा कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या जिसके लेकर आप सड़क पे आए हुए हैं, सड़क जाम किए हुए हैं, तो उस कार्यकर्ता ने कहा कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो हमने पूछा कि आखिर आपको जानकारी नहीं है और आप छात्र हित के लिए सड़क पे आए हुए हैं तो आखिर क्यों आप आए हुए हैं जब आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो उसने सीधे तौर पर यह कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे मनीष भैया ने बुलाया है और मैं मनीष भैया के कहने पर यहाँ आया हूँ। लेकिन मैं बात को पूरी तरह से साफ कर दूं कि ये मनीष भैया के बारे में बोले हैं जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये मनीष कश्यप के बारे में नहीं बोले हैं। जैसा कि मनीष कश्यप ने लाइव आकर वीडियो में ये कहा है कि उसने मेरा नाम लिया है और मेरे नाम को लेकर 1 लाख बार ट्वीट किया गया है, ये बिल्कुल निराधार है। उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, वो किसी पार्टी के नेता के बारे में बता रहे थे कि मनीष भैया ने हमें बुलाया है। जी, तो हम आपको एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दे कि ये जो नाम मनीष लिया गया है, मनीष भैया ने हमें बोला इसलिए हम प्रदर्शन में आए, ये मनीष कश्यप पत्रकार के बारे में बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है एक पार्टी विशेष से संबंधित मनीष भैया के बारे में जो कि उन प्रदर्शनकारियों को वहां पर लेकर के आए थे और उन्हीं के कहने पे ये जो लोग हैं वहां पर इकट्ठा हुए। इसके लेकर आप धरना पे बैठे हुए? हमको इतना नहीं पता। क्या हमको इतना भी नहीं पता है? नहीं पता है। आखिर अग्निपथ योजना जो है उसमें 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सैनिकों की बहाली है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है और आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए, तो आप कुछ कहिए इसके बारे में। हमको भी इतना नहीं पता, हमको मनीष भैया बोले तो आए हुए साथ में अभी। मनीष भैया कौन? अंदर बैठे हुए जन अधिकार पार्टी के हैं क्या? लेकिन आपको पता नहीं है? हमको भी इतना नहीं पता, हमको मनीष भैया बोले तो आए हुए साथ में अभी। मनीष भैया कौन? अंदर बैठे हुए जन अधिकार पार्टी के हैं क्या? लेकिन आपको पता नहीं है? और जो बोल रहा है 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सैनिकों की बहाली है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है और आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए, तो आप कहिए इसके बारे में। हमको भी नहीं पता, हमको मनीष भैया बोले तो आए हुए साथ में। ये बोल रहा है मनीष भैया बोले हैं तो आए हुए हैं साथ में। मनीष कश्यप नहीं, मनीष यादव, वो मनीष कश्यप नहीं, ये चीजें हैं। और मनीष कश्यप जो है अभी राजस्थान में है। इस आंदोलन में जो है 25 साल से ऊपर के युवा हैं, 25 साल के ज्यादातर ऊपर के युवा हैं। क्या कर रहे हैं वो इस आंदोलन में, उनको देखिए। अभी ये जयपुर से हम लोग अभी जयपुर में हैं अभी ये, और अब बताइए। और मनीष नाम रखा है ना, वो मनीष मनीष जो मीडिया वाले ने दिखाया है वो मनीष भाई बोला है, और जन अधिकार पार्टी का वो आंदोलन था। और मनीष यादव जो है पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, छात्र संघ अध्यक्ष हैं। वो लड़का मनीष यादव का दोस्त था, वो मनीष यादव का साथी था, मनीष कश्यप का नहीं। उस लड़के से पूछिए कि मनीष कश्यप को जानते भी हो या जानते हो तो कभी बातचीत हुई है मनीष कश्यप से, या उस लड़के का मोबाइल नंबर खंगाल के देखिए। देखिए हर आंदोलन में किसी ना किसी निर्दोष को बलि का बकरा बनाया जाता है, हर आंदोलन में निर्दोष को, ये गलत है। मैं बिहार का बेटा हूँ। दरअसल बिहार में बीते कुछ दिनों से लगातार जो केंद्र सरकार ने नई अग्निपथ योजना लाई है उसको लेकर के प्रदर्शन जारी है। ऐसे में जगह जगह पर सैकड़ों की संख्या में छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई जगहों पर तो ये प्रदर्शन जो है वो हिंसात्मक रूप भी ले चुकी है।
और बहुत सारे लोग ऐसे भी इसमें शामिल हैं जो कि इस अग्निपथ योजना से दूर दूर तक कोई उनका ताल्लुक नहीं है। तो हम एक पत्रकार के नाते हमारे ये दायित्व बनता है कि हम आखिर पड़ताल करें कि कौन लोग हैं जो ये प्रदर्शन करें, क्या वाकई में वो छात्र हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनका इस अग्निपथ योजना से कोई ताल्लुक है या फिर बस वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मनीष ग्राउंड पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि जिस योजना को लेकर के लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जो लोग इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो इस योजना के बारे में जानते भी हैं या फिर बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ राजनीतिक दल जो हैं इस योजना को लेकर के इतना बड़ा मैटर बना रहे हैं और इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे मिले हमें जो कि इस योजना के बारे में जानते तक नहीं थे। आपने हमारा वीडियो देखा होगा जो कि हमने आज सुबह ही पोस्ट किया था, और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितने सारे जो लोग हैं जो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जो वहाँ पर झंडा बुलंद कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आखिर मुद्दा क्या है और वो वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। तो हमने एक पत्रकार के नाते अपना दायित्व निभाया, हमने उनसे पूछा कि आखिर ये अग्निपथ है क्या जिसके लिए आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 4 दिन हो चुके हैं और ये प्रदर्शन जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। तो एक बार फिर से मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आखिर उन्होंने क्या देखा, क्या पूछा और वहाँ पर क्या हुआ, बताइए मनीष फिर से। इत्तेफाक से मैं बता दूं कि मेरा नाम भी मनीष है और जो कार्यकर्ता ने जिस नेता का नाम लिया उनका भी नाम मनीष था, और जिनके लेकर ट्वीट किया गया है लगभग 1 लाख बार मनीष कश्यप को लेकर, उनका नाम भी मनीष कश्यप है। उसके लेकर ये बात पूरी तरह आग की तरह फैल गई है कि आखिर ये मनीष कश्यप हैं कौन, मनीष हैं कौन। लेकिन मैं पूरी तरह से आपको क्लियर कर दूं कि मनीष कश्यप का नाम बिल्कुल भी नहीं है उस वीडियो में। आप वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो जो है IVTV का वीडियो है और आप देख सकते हैं ये वीडियो IVTV के डिस्क्रिप्शन में कि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ IVTV का है, और वो व्यक्ति जो है जिस मनीष का नाम लिया वो किसी खास पार्टी के नेता थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सड़क जाम में बुलाया है और मैं उन्हीं के कहे अनुसार आया हूं। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है कई प्लेटफॉर्म पे मीम्स बनाए गए, यहां तक कि कई सोशल साइट्स पे भी चलाए गए और लगभग इस वीडियो को लेकर 1 लाख बार ट्वीट भी किया गया है। जी, तो मनीष जो है ये हमारे संवाददाता है, मनीष जिस मनीष भैया के कहने पर वहां पर प्रदर्शनकारी जुटे थे वो एक पार्टी विशेष से संबंध रखते थे, और मनीष कश्यप जो पत्रकार है वो कोई और है, उनके कहने पर ये प्रदर्शनकारी नहीं आए थे। बता दें कि जब IVTV के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा, ट्वीट किया जाने लगा, तो मनीष कश्यप जो पत्रकार है वो लाइव आए, उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेकर के इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। और ऐसे में हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि IVTV पर जो ये वीडियो चलाया गया है उसमें मनीष कश्यप का नाम नहीं लिया गया है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो सारी बातें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। हमारे संवाददाता मनीष ने पूछा है कि ये जो मनीष भैया हैं वो कौन है, क्या किसी पार्टी के हैं, और उस पार्टी का नाम भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ तौर पर ये बता दिया गया है। हम कोई अफवाह या फिर कोई भी गलत खबर चलाने की कोशिश नहीं कर रहे, IVTV पर आपको हमेशा सच्ची खबर देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में भी आप साफ तौर पर अगर गौर से देखेंगे तो आपको सारी बातें साफ साफ समझ में आ जाएंगी कि किस मनीष के बारे में बात की जा रही है। एक बार फिर से क्लियर कर दे कि 3 मनीष इस वीडियो में इन्वॉल्व है, एक तो हमारे संवाददाता मनीष, एक मनीष कश्यप पत्रकार जो कि ये कह रहे हैं कि उनके नाम पर इस वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है, और एक मनीष भैया जिसके कहने पर जो प्रदर्शनकारी थे वो वहाँ पर पहुँचे थे प्रदर्शन करने के लिए। और इन सभी चीज़ों से हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि वीडियो जो है वो पूरी तरीके से IVTV पर रिकॉर्ड किया गया और हमने चलाया है, और इसके ज़रिए हम किसी को बदनाम करने की या फिर किसी पर कोई आरोप लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये जो मनीष जिसका नाम इस वीडियो में लिया गया है वो एक पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं, और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए IVTV के साथ। धन्यवाद।